Hey guys, this is once again Zoeb and we are back to another video. और guys, आप सभी के MiTV में ये प्रॉब्लम आ रही है कि can't connect right now, तो ये है पार्ट टू. इसमें मैं बताऊंगा कैसे इसको फिक्स करते हैं. इस पर एक वीडियो बनाया था पहले भी मैंने कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स के, और ये है सिंपल मुझे जो इसमें मिला एक आसान तरीका. ट्राई यहाँ पर देखिए, ट्राई अगेन कर रहे हैं बार बार और यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ रही है. मगर यहाँ पर देखिए, इंटरनेट भी कनेक्टेड है सब है, पर उसके अलावा नेट चल भी रहा है, पर भी ये फिर भी ये नहीं आ रहा है. तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. तो इसको क्लियर डाटा कीजिए, दूसरा सेटिंग्स में जाइए. यहाँ पर ये देख सकते हैं सेटिंग्स, और ये हम सेटिंग्स में गए. तो यहाँ पर पहले तो इंटरनेट चेक कर लीजिए सही चल रहा है नहीं है. देन उसके बाद आप डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाइए. यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है गए. तो यहाँ पर डेट एंड टाइम में आपको जाना है गए, डेट एंड टाइम में. और यहाँ पर इसको कर देना है गाइस. यहाँ पे देख सकते हैं आप 22 जून 1974 हो गए यहाँ पे सेट. ये प्रॉब्लम हो सकती है. सो क्या होता है कि डिवाइस में पुरानी डेट एंड टाइम होने से यूट्यूब परमिशन अलाउ नहीं करता उसको चलाने का. सो गाइस यहाँ पे जाना है ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम में एंड यूज प्रो नेटवर्क प्रोवाइड, इसको करना है ऑटोमेटिक. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम, यहाँ से भी आप कस्टम तरीके से कर सकते हैं. सो गाइज यहाँ पे हो गया है June 22, 2021 7:56 एक्यूरेट टाइम हो गया है यहाँ पर. एंड इसके बाद आप एक चाहे तो रिस्टार्ट कर दीजिए अपने टीवी को, और फिर अब इस बार देखते हैं हम गाइज ओपन करके. और ये गाइज हमने ओपन कर दिया हमारे नॉर्मल रिमोट से. एंड यहाँ पर देख सकते हैं गाइज लोडिंग हो रही है, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल सेटिंग चेंज की. और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब आराम से खुल चुका है और ज़बरदस्त चल रहा है. ये देखिए एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं. ये हमारा चैनल जोई मोदी, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीम वगैरह हम सब करते हैं यहाँ पर. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टाटा बाय बाय, सी यू.